मित्रों, आज भारत को दुनिया के पांच सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी और क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस से लेकर डिफेंस तक लगभग हर सेक्टर में भारत कामयाबी और विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में भारत के जिस सेक्टर का बोलबाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो, सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो, या नया संसद भवन हो, या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने डेवलपमेंट के मामले में चीन, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस वीडियो में हम भारत के उन 10 ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अगले कुछ सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप ये वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है मुंबई कोस्टल रोड, सपनों का शहर मुंबई, जिसकी सड़कें हमेशा ट्रैफिक से खचाखच भरी रहती हैं। वहीं एक ऐसा बड़ा खूबसूरत और एडवांस एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो मुंबईकर्स के लिए जीवन काफी आसान कर देगा। ये एक्सप्रेसवे वेस्ट मुंबई में मरीन लाइंस और साउथ मुंबई में कांदीवली से कनेक्ट होगा। 29.2 किलोमीटर लंबे इस 8-लेन एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जाएगा, जिसका टोटल बजट 13,060 करोड़ रुपए है। और मार्च 2024 में इसके पहले फेज का उद्घाटन हो चुका है, जो प्रिस्टन स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर वर्ली में ब्रांडा वर्ली सी लिंक से जाकर कनेक्ट होता है। वहीं इसके नॉर्थ फेज में इसी सी लिंक के दूसरे छोर को कांदीवली के साथ जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर सिर्फ सड़क नहीं बनाई जा रही है, बल्कि डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक, 2 लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ट्रैक, रिक्रिएशन एरिया, कोस्ट लाइन पार्किंग, जॉगिंग ट्रैक, टैक्सी स्टैंड और एम्फी थिएटर जैसी फैसिलिटीज भी बनाई जा रही है, जिसमें करीब 415 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है और इसे 2015 में मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 6 सालों में पहला फेज बनकर तैयार हुआ। अब इसका दूसरा फेज अगले 3 से 4 सालों में पूरा होने की उम्मीद है और पूरा होने के बाद ये एक्सप्रेसवे साउथ और वेस्ट मुंबई के बीच ट्रेवल टाइम को 2 घंटे कम करके सिर्फ 40 मिनट का कर देगा। नंबर 9, नमो भारत रैपिड रेल। साल 2009 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिसका नाम वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन फिर इसे एक्सपेंड करके प्रोजेक्ट को नया नाम दिया गया। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 से लेकर 250 किलोमीटर के अंतर वाले शहरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में बनाई जा रही वंदे मेट्रो ट्रेन्स में 16 एयर कंडीशन वाले प्रीमियम कोच होंगे, जिनमें एक बार में 280 पैसेंजर्स सवार हो पाएंगे। वहीं ये मेट्रो ट्रेन करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौजूदा ट्रैक्स पर दौड़ पाएंगी। वंदे मेट्रो का पहला रूट मुंबई और पुणे के बीच शुरू होगा। अप्रैल 2024 में 4 कोच वाली वंदे मेट्रो का ट्रायल भी किया गया है और दिसंबर 2024 तक इसे देश के विभिन्न शहरों के बीच लॉन्च कर दिया जाएगा। नंबर 8 पर है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार के राजगीर शहर में इस अनोखे क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है, जिसकी खासियत यह है कि इसे न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल जैसे बाकी स्पोर्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 45,000 सीट्स की कैपेसिटी वाला यह क्रिकेट स्टेडियम तैयार होते ही बिहार क्रिकेट टीम का गढ़ बनेगा और बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहलाएगा। 90 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को बनाने में 633 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। हालांकि इसकी टाइम लाइन स्लो चल रही है, क्योंकि प्लान के हिसाब से इसे 2022 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी काफी काम बाकी है। नंबर 7, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये भारत के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिनमें 24 इन्वेस्टमेंट एरियाज, 8 स्मार्ट सिटीज और 5 बिजली परियोजनाएं और 2 एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पोर्ट्स, हाईवे, लॉजिस्टिक हब और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को स्थापित करेगा। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 90 बिलियन US डॉलर है, जिसमें जापान की सरकार और बैंक्स निवेश कर रही हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है,
जिसमें शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में किया था। ये 1483 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में मुंबई तक जाता है। नंबर 6, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत सरकार की परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेगा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिसे बनाने के पीछे का उद्देश्य है भारत की राजधानी दिल्ली को सपनों की नगरी मुंबई के साथ जोड़ना। 1350 किलोमीटर लंबा यह 8-लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेवलिंग टाइम को 2400 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। साथ ही डिस्टेंस भी 1424 किलोमीटर से 12% कम होकर 1242 किलोमीटर कर देगा। कुल मिलाकर समय की भी बचत होगी और ईंधन की भी। वहीं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ दिल्ली और मुंबई को फायदा नहीं होगा, बल्कि इसमें जयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना में भारत सरकार पूरे 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और अब तक सिर्फ 70-80% काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ कई रूट्स को पब्लिक के लिए खोला जा रहा है और दिसंबर 2024 तक इसे पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार करके जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। नंबर 5 पर है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। मित्रों, भारत सरकार देश के हर तरफ मेट्रो का जाल फैला रही है। मुंबई और अहमदाबाद से लेकर आगरा तक देश के दर्जनों शहरों में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम चल रहा है। ये एक 29 किलोमीटर लंबा 2 मेट्रो लाइंस वाला प्रोजेक्ट है, जिसका बजट 350 करोड़ पर किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट में 27 स्टेशन्स बनाए जाने हैं। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी और मार्च 2024 में उन्होंने ही इसके फर्स्ट स्ट्रेच का उद्घाटन भी किया और जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मित्रों, अंग्रेजों के समय भारत में रोजाना लाखों टन माल सामान मालगाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन रेल से सफर करते हुए आपने भी मालगाड़ियों को देखकर यह महसूस किया होगा कि रेगुलर अपग्रेड ना मिलने की वजह से इन मालगाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है और इनकी माल सामान ले जाने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेन्स की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें पहला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश की दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खत्म होता है और इस 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर का 82% काम पूरा हो चुका है और ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स 2024 के अंत तक पूरे हो जाएंगे, जिसके साथ साथ नई मालगाड़ियों को भी डेवलप किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 1,25,000 करोड़ रुपए है। और दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पंजाब से लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल और दादुकनी पर खत्म होगा। ये 1,840 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसमें 90 कॉरिडोर न सिर्फ बनकर तैयार है बल्कि ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। नंबर 3, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के हमेशा व्यस्त रहने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर नवी मुंबई एयरपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस एयरपोर्ट को 3 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें 19,646 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पहले की फेज में शुरुआत अगस्त 2021 में हो गया। 2,866 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में 3.7 किलोमीटर लंबा रनवे होगा, 287 प्लेन्स की पार्किंग, 73,000 किलो लीटर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल स्टोरेज और 2,00,000 स्क्वायर मीटर के साथ 4 पैसेंजर टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, जो सालाना 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के पहले फेज का काम 80-90% पूरा हो चुका है, जिसमें रनवे तो लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है और 5 अक्टूबर के दिन यहां से पहली टेस्ट फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिसके बाद कुछ और टेस्टिंग्स होगी और मार्च 2025 में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 2, सागरमाला परियोजना। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागरमाला यानी कि सागर तट समृद्धि योजना नाम के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के आसपास डेवलपमेंट की जा रही है, जिसमें भारत का ग्लोबल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर पाए। इस परियोजना में भारत सरकार 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स,
नए बंदरगाह और उनके साथ रोड और रेल कनेक्टिविटी डेवलप कर रही है, यानी सागर तट समृद्धि योजना में कुल मिलाकर 1049 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें 3,62,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला चरण तो साल 2015 में ही शुरू किया गया था, तब से लेकर इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है और सरकार का कहना है कि 2026 तक इस परियोजना के करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। नंबर 1 पर है देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना। आज से 78 साल पहले जब हमारे देश को आजादी मिली तब भारत में सिर्फ 4 लाख किलोमीटर की पक्की सड़कें थीं, जिनमें ना ज्यादा ड्राइविंग लेन बने थे और ना ही सुविधाएं थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में तो सड़कों की हालत और ज्यादा खस्ता थी, वहां के लोकल लोगों की मिट्टी में कच्ची सड़कें बनाया करते थे। लेकिन अगर हम 78 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो 63 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों के साथ अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसे और ज्यादा बढ़ाकर सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना लॉन्च किया है, जो 10 लाख करोड़ के बजट के साथ देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का मकसद कि भारत में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए ढेर सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवे और कई तरह के कनेक्टिविटी रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल लंबाई 83,677 किलोमीटर होगी। 2017 में भारतमाला प्रोग्राम के फेज 1 की शुरुआत की गई थी, जिसमें 5,35,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ 24,800 किलोमीटर के रोड्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही 10,000 किलोमीटर की लंबाई की पुरानी सड़कों को फिर से भी बनाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट भारत का भविष्य बदल कर रख देगा और आपके गांव शहर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके प्लीज 2100 लाइक्स करवा दीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।